हेलो दोस्तों, मैं रेनू आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आप सभी को बताऊंगी, करवा चौथ पे हम पूजा करते हैं तो किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि करवा चौथ पे किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, लेकिन तो भी मैं आज आपको बताऊंगी। जो लोग नए नए हैं, जो इस साल नए नए व्रत रख रहे हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं होती है बहुत सी, तो इसलिए मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस करवा चौथ पे आप किस तरीके से करवा चौथ पे पूजा करें। हमारे हिंदू पर्व में लेडीजें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो उन्हीं के लिए मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि करवा चौथ पे किस तरीके से पूजा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी को बताती हूँ, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है और चांद देखकर व्रत का पारण किया जाता है। इस साल करवा चौथ का पर्व 24 अक्टूबर रविवार को पड़ रहा है। करवा चौथ के इस व्रत को करक चतुर्थी, दशरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो चलिए बताती हूँ। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, गणेश जी और स्कंद यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से जीवन में पति का स्थान हमेशा बना रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब हम बताएंगे करवा चौथ की पूजा की विधि, कि हमें करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए घर के उत्तर या पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पटा बिछाकर उस पर शिव जी, माँ गौरी और गणेश जी की प्रतिमा स्थिर या चित्र रखने चाहिए। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं, जिस पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की स्थापना करके टेपा की उत्तर दिशा में एक जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करना चाहिए और उसमें थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोरी चावल का टीका लगाना चाहिए और लोटे की गर्दन पर मोली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी या सुपारी पर मूली लपेटकर भी रखते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा भी रख लेते हैं। चार पूड़ी और चार लड्डू तीन अलग अलग जगह लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दे, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखे और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठे पुड़े भी चढ़ाए जाते हैं, पुड़े माने पूड़ी। अब देवी माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़ें। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साड़ी के पल्ले में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने बेटे या अपने पति को खिला दें और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद आप व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये थी हमारे जो करवा चौथ आ रही है, हमें कैसे पूजा करनी है, किस तरीके से हमें पूजा करके और कथा करनी है, इस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आप लोगों की करवा चौथ
खुशहाल रहे। धन्यवाद।